आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, यदि नहीं होते संत जगत में जरमर तो संसार। और उसके पश्चात में विदुर जी महाराज के एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, दो परमाणु से एक अणु, ये साइंस है, दो परमाणु से एक अणु बना और दो अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बना। त्रिश्रेणु किस इस समय की, ये टाइम की कैलकुलेशन है, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिनी सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, ये सब यहां पर है, अभी आएगा। महाराज दो अणु मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है, तीन त्रिश्रेणु मिलकर एक त्रुटि बनती है, तीन त्रुटि मिलकर एक लव बनता है, तीन लव का एक निमेश हो जाता है। निमेश किसे कहते हैं, ये पलकों का गिनना उठना एक निमेश। जब पांच निमेश मिलते हैं तो एक क्षण बनता है, पांच बार पलके ऊपर नीचे होती है एक क्षण, और जब पांच क्षण बीतते हैं तो एक काष्ठा बनती है, पांच क्षण की एक काष्ठा होती है, और पांच काष्ठा का एक लघु होता है, और पंद्रह लघु की एक नाड़िका होती है, और दो नाड़िका का एक मुहूर्त हो जाता है, और तीन घंटे का एक प्रहर हो जाता है। इस प्रकार से चार प्रहर का दिन और चार प्रहर की रात्रि, ये समय की कैलकुलेशन है। और इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष हो जाता है। और हम लोगों की जो आयु है, दो पक्ष में एक महीना और दो महीना में एक ऋतु और छह ऋतुओं में एक वर्ष होता है। हम लोगों की आयु कितनी, हम लोगों की जो आयु है एक महीने की, वो हमारे एंसेस्टर्स जो पितर हैं उनकी केवल एक दिन की आयु है। हमारा एक महीना बीतता है, हमारे पूर्वजों का एक दिन बीतता है, इनकी और हमारी कैलकुलेशन में अंतर है। और हम लोगों का जो एक वर्ष होता है वो इंद्रलोक का एक दिन होता है। हाँ, इस प्रकार से कलयुग की आयु 432,000 वर्ष, इसी में 432,000 और जोड़ दो तो 864,000 वर्ष द्वापर की आयु, इसी में 432,000 और जोड़ दो तो 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, इसी में 432,000 और जोड़ दो तो 17,28,000 वर्ष ये सतयुग की आयु। और ये चारों युग जब 1,000 बार चक्कर लगाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटा पूरे होते हैं, और ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे होते हैं तब नारायण की एक पलक झपकती है। अब आप विचार करके देखो नारायण की आयु का। नारायण ये चारों युग 71 बार जब घूमते हैं तो एक मनवंतर होता है, 71 चौकड़ी का एक मनवंतर, और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है, और कल्प से भगवान के अवतार का वर्णन किया जाता है। आप ये ना समझे कि हर त्रेता में राम आएंगे, ना, कल्प में आते हैं महाराज, कल्पों में भगवान के अवतार कल्प भेद से है। और अभी जो त्रेता बीत करके गया है उसमें राम अवतार नहीं हुआ है, इस त्रेता में नहीं, इससे पूर्व के त्रेता में अलग अलग। और इसके पश्चात में महाराज वर्णन किया सृष्टि का, तब ब्रह्मा जी महाराज ने सनकादिक कुमारों की उत्पत्ति करी, देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं, बोलिए सनकादिक कुमारों की जय। कहा कि सृष्टि करोगे तो हरिश्रम करते हुए निकल गए, सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़े। ब्रह्मा जी के ब्रह्मकुटी से एक तेज गिरा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम रुद्र, रोने लगा रुद्र, बोले रुद्र भगवान ने, अरे बेटा रुद्र सृष्टि उत्पन्न करो। भगवान रुद्र ने महाराज भूत प्रेत पिशाच राक्षस उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान, तो सृष्टि पैदा कर रहा है कि सृष्टि खाने वाले पैदा कर रहा है, अरे बंद कर, अलम प्रजा भी सृष्टा भी। तब रुद्र ने सृष्टि बंद करी, तब कहा कि तपस्या करने जाओ भाई, तुम तो संहारक हो, रुद्र है संहारक। उसके पश्चात में मरीचि अत्रि अंगरा पुलस पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशवसत्र नारद ये उत्पन्न हुए। सृष्टि में मजा नहीं आया, ब्रह्मा जी ने अपने देह को नष्ट किया, पुनः देह प्राप्त किया, जिस देह को नष्ट किया उससे कोहरा उत्पन्न हुआ, फॉग, ये ब्रह्मा का शरीर है। और पुनः देह प्राप्त किया तो दाहिने हाथ से मनु जी महाराज और बाएं हाथ से शत्रुपा महारानी, ये लक्ष्मी नारायण के अवतार हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और मनु जी महाराज से ही मनुष्य सृष्टि होती है,
जब ते भये मनु सतरूपा, जब ते भये मनु सतरूपा, जब ते भये जी महाराज ने प्रणाम किया, परम पिता ब्रह्मा को मेरा प्रणाम, आज्ञा करें मेरे लिए। बोले सृष्टि उत्पन्न करो। बोले कहां करूं? बोले पृथ्वी पर। बोले पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले कहां गई? बोले हिरण्याक्ष दैत्य ले गया। हाँ, ये हिरण्य है, हिरण्य, हिरण्य माने सोना, हिरण्य माने संपत्ति। भगवान ब्रह्मा की नासिका से एक अवतार हुआ, वराह अवतार। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। बोलिए वराह भगवान की जय। दशावसाओं में वर्णन आता है, देखते ही देखते शरीर बड़ा हो रहा है। वसती जय जय देव हरे हरे, जय जय देव हरे हरे, जय 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 देव हरे। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान हिरण्याक्ष दैत्य को समाप्त किया, पृथ्वी लेकर के आए, ब्रह्मा को सौंपी, ब्रह्मा सृष्टि करो जाओ। राजा परीक्षित बोला इतनी जल्दी कथा भी हो गई? गए मारा यहां तो हमने सुना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बोले राजा कथा तीन प्रकार की है, कथा है तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसा अवसर देखिए तैसी दीजिए बोल। अगर 5:55 से ऊपर हो रहे हो तो कथा शॉर्ट कर दो, और समय हो अपने पास तो कथा बढ़ा दो। इसलिए भागवत में 2 वाराह की कथा है, एक नील वाराह, एक श्वेत वाराह, दोनों अलग अलग कल्पों की कथा है। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, जिनको शाप लगता है संकादिक कुमारों का, राक्षस बनने का 3 जन्म का। तो पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 अवतार, 3 बार जन्म, और भगवान ने 4 बार अवतार लिया, वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण। लेकिन एक बात है, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ जो परम पूज्य डोंगरी जी महाराज बताते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है कौन? एक है लालच, एक है लोभ। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, एक है लालच, एक है लोभ। दोनों में अंतर क्या है? लोभ किसे कहते हैं, लालच किसे कहते हैं? लोभ तो वो कि अपनी वस्तु कहीं चली ना जावे, और लालच उसकी वस्तु अपने पास आ जाए। हिरण्याक्ष लोभ लालच है, वो क्या चाहता है? इसकी भी मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम हो, इसकी मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम हो, ये पूरा जो नगर है ये भी मेरे नाम हो जाए, और नगर क्या पूरा जिला भी मेरे नाम हो जाए, अरे जिला तो क्या राज्य भी मेरा नाम हो जाए, अरे राज्य तो छोड़ो पूरा देश मेरे नाम हो जाए, अरे देश तो छोड़ो पूरी धरती मेरे नाम हो जाए, पूरी धरती मेरी। ये है हिरण्याक्ष। अच्छा विचार करके देखना, पूरी धरती तुम्हारी हो जाए, पूरी धरती, रहोगे तो किसी एक देश में, और पूरा देश तुम्हारे नाम हो गया तो रहोगे तो किसी एक राज्य में, और पूरा राज्य भी तुम्हारे नाम हो जावे तो रहोगे तो किसी एक जिले में, और पूरा जिला भी तुम्हारे नाम हो जावे तो रहोगे तो किसी एक नगर में, और पूरा नगर भी तुम्हारे नाम हो गया तो रहोगे तो किसी एक घर में, और पूरा घर भी तुम्हारे नाम हो गया तो रहोगे तो किसी एक कमरे में, और पूरा कमरा भी तुम्हारे नाम हो गया तो रहोगे तो एक पलंग पर, और पलंग भी तुम्हारा नाम पूरा हो गया तो रहोगे तो पलंग के एक हिस्से में।
जब सोने के लिए एक हिस्सा ही हमारे लिए मिलने वाला है तो धरती की हाय हाय करके काहे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों मर रहे हो इस धरती के लिए, इन टुकड़ों के लिए मर रहे हो? ये लोभ है, सब पाना लालच है, सब पाना चाहता है। एक पद है, जो दस बीस पचास भय सत। अगर किसी को दस मिल जाए तो बीस की चाहना करेगा, किसी को बीस मिल जाए तो पचास की चाहना करता है, और पचास मिल जाए तो कहेगा सौ आ जाए मेरे पास। जो दस बीस पचास भय सत होए हजार, अब तू लाख मंगेगी। ये लालच की बात कर रहे हैं। लालच कैसा होता है? दस मिल गया तो बीस, बीस मिला तो पचास, पचास मिल गया तो सौ, सौ मिल गया तो हजार, हजार मिल गया तो लाख। जो दस बीस पचास भय सत होए हजार, अब तू लाख मंगेगी, फिर कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पर तो होने की चाह जगेगी, और पृथ्वी का भी शासन पालोगे। हाय हाय, एक कथा स्मरण आ रही है, कह दूं? बड़े समय बाद कह रहा हूं इस कथा को। एक बड़ा गरीब भिखारी बैठा हुआ सड़क पर रो रहा था, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, गरीबी बहुत है, कृपा करो। भगवान का भजन बहुत करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बड़े प्रसन्न होते, इतनी गरीबी में मेरा भजन कर रहा है। भगवान ने दर्शन दिए, बता क्या चाहिए? बस 10,000 रुपए मिल जाए तो कुछ काम धंधा कर लो। 10,000 मिल गए तो काम धंधा। एक दिन भगवान को याद किया, बोले प्रभु एक बार फिर दर्शन दियो। भगवान दर्शन देने आए, कैसे याद किया? बोले प्रभु काम धंधा कर रहा हूं, माल खरीदता हूं, सड़क पर बिछाकर बैठता हूं, दुकान से माल बेचता हूं, अगर 1,00,000 रुपया मिल जाए तो एक दुकान ले लूं अपनी, दुकान में बैठ करके काम धंधा करूं। भगवान ने कहा लक्ष्मी 1,00,000 रुपए दो, 1,00,000 रुपए दो। 1,00,000 रुपए मिल गए, इसने दुकान ले ली, अब तो दुकान से माल बेचे। एक दिन भगवान को याद किया, बोले प्रभु, बोले अब कैसे याद किया? बोले प्रभु बार बार ट्रेडिंग करनी पड़ती है, माल खरीद के बेचना पड़ता है, सोचता हूं अगर अपनी फैक्ट्री हो जावे, मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो जाए, 1,00,000 रुपया मिल जाए तो अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, पर कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा, माल बनाऊंगा बेचूंगा। फैक्ट्री हो गई, नगर सेठ बन गया, अब तो धीरे धीरे इसका नाम बहुत हुआ। अब भगवान से एक दिन पुकार करी, बोले अब कैसे बुलाया मेरे लिए? ए प्रभु धरती का बहुत भोग भोग लिया, एक बार मन में इच्छा है कि स्वर्ग का राजा बन जाऊं तो मजा आ जाए स्वर्ग। भगवान ने कहा बाप रे बाप, 10 रुपया कमाने की औकात नहीं थी, अब स्वर्ग पहुंच रहा है। देखो भगवान ने कहा नकली स्वर्ग लोग बनाया, नकली इंद्र बनाकर इसे बैठा दिया, अब देवता आकर हाथ जोड़े, वाह वाह महाराज इंद्र की जय हो महाराज, अभी फूला नहीं समा पे महाराज स्वर्ग का राज। बोले इंद्र हुए तो क्या हुआ महाराज, लेकिन अभी तुम्हारा मालिक, तुम देव हो लेकिन तुम्हारा भी मालिक है महादेव, वो शंकर बैठे हुए। अच्छा हाँ, भगवान के पास आए, बोले प्रभु एक कृपा कर दे। बोले क्या? अगर शंकर बनाए दे तो आपका बिगड़ क्या जाएगा? भगवान ने नकली शिवलोक बनाया, इसको शंकर बना के बैठा दिया, नकली पार्वती बैठाई दी। अब लोग स्तुति करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम। बोले महाराज शंकर बने तो क्या तुम्हारा बाप ब्रह्मा बैठा हुआ अभी तो? बोले बाप रे बाप, यहां बाप की परंपरा ही बंद नहीं होती। भगवान के पास जाकर कहा प्रभु, बोले फिर तू आ गया मांगने? बोले मांगने नहीं आया, सिर्फ एक अंतिम रिक्वेस्ट करने आया हूं, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। बोले क्या? मुझे ब्रह्मा बना दो तो आपका क्या, एक बार ब्रह्मा बना दो फिर कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा नकली ब्रह्म लोक बनाकर इसको बैठा दिया, इसके लिए असली था, अब ब्रह्मा बन गया, ब्रह्माणी बैठा दी। बोले ब्रह्मा बने तो क्या तुम्हारा बाप विष्णु अभी बैठा हुआ है? अब ये भगवान विष्णु के पास आया, फिर तू? बोले मांगने नहीं आया, बोले फिर सलाह करने आया। बोले क्या? बोले तुम और मैं दोनों एक हो जाए तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा ये बताओ। भगवान ने कह रही दुर्गड़ी के भिखारी, आज यहां तक उठा दिया, एक थप्पड़ मारा गिरा कर नीचे के नीचे गिर पड़ा। ये लालच जो है ये बढ़ता ही रहता है। जो दस बीस पचास भय सत होए हजार, तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, ये मरे कैसे? बोले सुंदर एक संतोष बिना सच, तेरी तो भूख कदे ना मिटेगी। जब तक संतोष रूपी वराह अवतार नहीं होगा,
तब तक ये हिरण्याक्ष मरने वाला नहीं है, ये संतोष ही है वराह। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान, सब मिट्टी के समान है। और उसके बाद में महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया। बालों से सर्प, जंघा से असुर, छाया से यक्ष राक्षस, समाधि से ऋषि मुनि, और इन ऋषियों में एक ऋषि का नाम था ऋषि करदम। करदम सरस्वती नदी के तट पर बैठकर इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या कर ली। 10,000 वर्ष, ये आज की कथा नहीं है, सतयुग की है। प्रजा सृजे की भगवान किसके लिए? विवाह हो जाए, विवाह ब्याह। भगवान ने दर्शन दिया, जय जयकार हो गए। बोलिए श्री हरि भगवान की, श्री हरि भगवान की, श्री भगवान की जय। और महाराज जो भगवान की झांकी देखी पागल हो गए। ठाकुर जी ने भी इनको निहारा, कहा वरदान मांगो क्या चाहिए? बोले हे प्रभु, सारा संसार आपकी माया में घूम रहा है। जुष्टम बता दिया खिल मुझे भी माया में फंसा हुआ ये जीव मान लो आप, मैं भी आपकी माया में फंसा हूं। क्या चाहते हो? विवाह करना चाहता हूं। भगवान बहुत हंसे हैं, इतनी हंसी भगवान को आई कि भगवान की आंखों से एक अश्रु बिंदु नीचे गिरा, उससे एक सरोवर का निर्माण हो गया। इस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर। ये सरोवर आज भी है गुजरात में सिद्धपुर में अहमदाबाद के पास, इसका दर्शन दास ने किया है। ये सरोवर है। भगवान ने कहा ब्याह हो जाएगा। कब हो जाएगा? बोले परसों, तपस्या करी बरसों, ब्याह हो जाएगा परसों। और कुछ चाहना है तुम्हारे मन में? एक और ख्वाहिश है, लेकिन धन्य है, कहना भी चाहते हैं और कह भी नहीं पा रहे। ठाकुर जी ने इन्हें और निहारा गौर से, क्या इच्छा है बोल दो, जो इच्छा है बोल दो। ये ठाकुर से कहता है ऋषि करदम, कह रहे हैं इतना प्यार मत करो। इश्क एक तरफा में यूं यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम हो गे शमा का पूर हो जाऊंगा मैं। इतना प्यार मत करो, इतना प्यार मत करो। मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको देना ना कुछ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे देना नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं देना? तुम मांगोगे तो दूंगा जरूर। मैं अगर मांगू तो मुझे देना नहीं। एक ने एक बार भगवान ने भक्त से कह दिया ये काम कर देना, भक्त कहते हम नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा तू आगे से मेरे पास आना, मुझसे कहना कभी काम की। भक्त कहता मैं तो कहूंगा, आप मना कर देना भले ही मुझसे। बोले कमाल है, मैं तो उससे कह रहा हूं मत कहना। बोले मैं कहूंगा, आप यू बोल देना मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ, कुछ क्यों क्यों फिर प्रेमी नहीं रही मजदूर हो जाऊंगा, फिर प्रेमी नहीं रही मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मूर हो जाऊंगा। तुमने अगर मुझे प्रेम कर लिया तो मैं घमंडी हो जाऊंगा कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान और देख रहे हैं प्रेम से, आंसू छलछला उठे भगवान की आंखों। तो कहता है भक्त कहते हैं मैं अगर देखूं तो देखना, तुमने अगर देखा मशहूर हो जाऊंगा। अंतिम पंक्ति कही
मैं अगर तड़पूं तो त्रिगसी सिंधु टपटाना न तो। अगर मैं तड़पता हूं तुम्हारे प्यार में तो आंखों से बिंदु मत टपकाना, आंखों से आंसू की बूंद मत गिराना। मैं अगर तड़पूं तो त्रिगसी सिंधु टपटाना न तो। क्यों क्यों वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊं, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊं, तुम्हारी आंखों में आंच आंच करके करके अगर एक बूंद नीचे गिर गई तो तुम्हारी आंखों का सामीप्य जो मुझको मिल रहा है उससे दूर हो जाऊंगा। भगवान ने कहा मांग लो जो मांगना है, तो प्रेम और संकोच दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास तो केवल भाव है। दानी सिरो मणि कृपा निधि नाना कहो सत भाव। क्या 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 चाहूं तुम्हें, तुमको चाहता ये तो है प्रेम, मैं तुमको चाहता हूं ये प्रेम है। लेकिन संकोच ने डंडा मार दिया। चाहूं तुम्हें भगवान ने कहा मुझको नहीं, समान आप जैसा बेटा। पहले चाहते थे कि आप ही बेटा बन जाओ, लेकिन अब नहीं, आप जैसा ही मिल जाए। मेरी औकात कहां है कि आप मेरे बेटा बनो। ये तो यशोदा और नंद का सौभाग्य है, ये तो दशरथ और कौशल्या का सौभाग्य है, ये तो देवकी और वसुदेव का सौभाग्य है। मुझ जैसे कर्दम का ये कहां भाग्य होगा कि आप मेरे पुत्र बनकर आओ। इसलिए आप जैसा पुत्र मिल जाए तो भगवान ने कहा मेरे जैसा या मैं चाहूं तुम्हें, फिर समान सुत चाहूं तुम्हें। ये प्रेम समान सुत ये संकोच, तो कहा प्रेम संकोच छोड़ करके मांगो। तो कहा एक बार कह पाया हूं दोबारा कह भी नहीं पाऊंगा। आप तो सब कुछ जानते हो, भीतर की भी बाहर की, जो जान पाओ तो वो ही कर दो जो जान समझ पाए। चाहूं तुम्हें समान सुत 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 और आगे प्रभु समान आपसे छिपा हुआ क्या। और भगवान ने कहा चिंता मत करो ऋषि कर्दम, मैं आऊंगा मैं आऊंगा। आप आओगे? हाँ, तुम्हारा लल्ला बनकर आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तब तुम्हें कहूंगा पापा दी पिता दी ऐसे कह करके तुमको पुकारूंगा। आंखों से झलझला उठे आंसू, जागृत हो गया अनंत जन्मों का सौभाग्य। कब आओगे? बोले जब मेरी मैया से ब्याह करोगे तब आऊंगा। और ब्याह भी हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा। महाराज चक्रवर्ती महाराज मनु की कन्या देवहूति से विवाह हो। और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। गदगद हो गए कहकर भगवान अंतर्धान हुए। मनु जी महाराज को प्रेरणा दी। मनु जी महाराज ने अपनी पत्नी को कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह करना चाहिए। बोले किससे? ऋषि कर्दम से करेंगे। अरे महाराज, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की, इतने बड़े राजा की लड़की, एक ऋषि से ब्याह होगी? तो कहा रे देवी, तू नहीं जानती, वो ऋषि साधारण नहीं है, भगवान का दर्शन प्राप्त किया हुआ है, हमारी बेटी का सौभाग्य होगा। तू धन देख रही है, संपत्ति संपदा देख रही है, तू देखती है कि भोग है या नहीं, और मैं देखता हूं उस संत के जीवन में योग है या नहीं, वो भगवान से जुड़ा हुआ संत। महाराज जैसी आपकी इच्छा। मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं। कर्दम जी महाराज ने उठ के प्रणाम किया, स्वागत किया। होने वाले ससुर लगते हैं मेरे। मनु महाराज बोलते हैं हे ऋषि कर्दम, हमारी बेटी का हम ब्याह आपके साथ करने की इच्छा लेकर यहां आए हैं, क्या आपको हमारी बेटी से विवाह करना स्वीकार है? मनु जी महाराज से सुनकर के कर्दम जी बोलते हैं महाराज, आपकी बेटी परम सुंदरी है, परम सुशीला है, सुलक्षणा है, आपकी बेटी से हम विवाह तो कर, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले विवाह तो करेंगे लेकिन संतान पैदा होने के बाद फिर हम घर में नहीं रहेंगे, वन में चले जाएंगे। स्वीकार है। पत्नी कहती है बेटी बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखी है कि बच्चा पैदा करके महात्मा चले जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे देवी, आज तक मैं तुझको छोड़ पाया कभी? मतलब
लोहे की जंजीर से कोई बंध जावे छूट भी सकता है, लेकिन पतली जंजीर से, बच्चों की जंजीर से कोई बंध जावे तो बच्चू राम जन्म जिंदगी में छूट ही नहीं सकता। लोहदार मय पास ही पमान बद्धो विमुचते, लेकिन पुत्रदार मय पास ही पमान बद्धो न मुचते। मेरा के तीन जगह जागता है, तीन जगह, एक कथा में जागता है, एक तीर्थ में जागता है, एक श्मशान में जागता है, तीन जगह बैराग्य जागता है। लेकिन बैराग्य भी महाराज हमेशा जगा रहे वो जरूरी नहीं। एक व्यक्ति कथा सुन करके गया, बेटे को फोन कर दिया, बेटा वृंदावन की टिकट बनवा दे, अब तो मैं वृंदावन में किशोरी जी के कुंज में ही रहूंगा, अब जयपुर में नहीं रहूंगा। बेटे ने कहा बाबूजी ऐसे क्यों, आप कथा सुनने क्यों जाते हो, मत जाया करो। बेटा अब तूने टिकट नहीं बनवाई, मेरी रात की बस से बनवा दे, सुबह वृंदावन जाओ। अच्छा घर तो आओ। घर आए, बेटा ने अपनी पत्नी को कहा बाबूजी के मन में बैराग्य जाग रहा है, कुछ कर, रुको। जैसे ही बाबूजी घर में आए तो ग्रैंडसन वो आया, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। बाबू बोले बेटा चॉकलेट कल देंगे, कल कल जरूर। पत्नी गई अंदर चौका में, बहू टाटा टी लेकर के आई, ससुर जी को दी, ससुर जी ने टाटा टी पी, बेटा टिकट कैंसिल करो। पल भर में बैराग्य धुल गया। ये बैराग्य हमेशा टिकता नहीं है, चिंता मत करो। आज मनु जी महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से किया, और जब विदाई करी तो इतना रोए हैं, आसीन चदम्ब वत्सेति नेत्रोदयी दुहितु शिखा, सारे बाल भीग गए इतना रोए। दुनिया में एक ऐसी विदाई है जिसमें पत्थर दिल भी रो जाते हैं। पड़ोसी रोते, अरे वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है जानकी जी की विदाई के समय दीवारें तक रोई हैं। जड़ भी रोते हैं जब कभी बेटी की विदाई होती है। उस समय पर नारी का जीवन सदैव से त्याग का जीवन हो तो नारी का श्रेष्ठत्व तो होता। हमने कविता पंक्ति कहीं पढ़ी थी, लड़की की विदाई कितनी देर में हो जाती है, बोले जब से हुई सयानी लड़की भूली राजा रानी, लड़की बाजारों से आते जाते होती पानी पानी, लड़की चॉकलेट भैया को भाए खाती है गुड़धानी, लड़की सारा जीवन इच्छाओं की देती है कुर्बानी, लड़की चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन भूल गई शैतानी, लड़की ओ हल्दी बिछुए कंगन मेहंदी पाकर हुई वीरानी। ये चार चीजें मिली, बेटी पर आज घर चली गई, गोत्र तक बदल जाता है बेटी का, गोत्र तक बदल जाता है। जीवन में कभी भी अगर तुम्हारे घर में किसी की बेटी बहु बनकर तुम्हारे घर में आई है तो उसको पीड़ा मत पहुंचाओ, उसको तकलीफ मत दो। तुम्हारी बेटी भी किसी के घर की बहू बनी है या बनेगी, अगर उसको पीड़ा पहुंचेगी तो विचार करो तुम्हें कितना कष्ट होगा। और अगर तुम्हारे घर में कोई बहू बनकर किसी की बेटी आई है, अगर इसको कष्ट पहुंचेगा तो सोचो उसके माँ बाप को कितना कष्ट होगा। नारी को कभी घर में आंसू ना बहाई जाए नारी की। जिस घर में नारी रोएगी उस घर की श्री चली जाती। और एक बात और, जो उपदेश एक मां को करना चाहिए वो उपदेश बेटी के लिए यह है कि अपने सास की सेवा, ससुर की सेवा, गुरुजन की सेवा ये जरूर करना। सास ससुर गुरु सेवा करी हो और पति का रुख देख करके उससे बात करो। पति का मूड ऑफ है और तुम बात करने लग जाओ तो तुम्हारे बने बनाए बात बिगड़ जाएगी। पति का मूड देखो, ठंडा के गरम, ठीक अनुकूल के प्रतिकूल, जब देखो कि अनुकूल है तब बात रखो। नारायण गरम लोहे पर हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा, लेकिन ठंडे लोहे पर हथौड़ा भी पड़ जाएगा तो लोहा टूटेगा नहीं। जीवन में याद रखना, अगर आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है और तुम हथौड़ा बातों का मार दोगे वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठंड
बड़ा हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी झेल लेगा। इसलिए बात किस समय करनी चाहिए, पति का रुख देख करके बात करना। आज आंखों में आंसू भरते हैं, बेटी का एक प्रश्न है हर बाप से है कि एक बेटी एक मां की कोख से जब जन्म लेती है तो उसी कोख से एक भाई भी जन्म लेता है, लेकिन बेटी कहती है एक ही मां की छाती का दूध पी करके हम भाई बहन बड़े हुए हैं, फिर भी हे पिता हे मां तुमने भाई को तो घर का राजा बना दिया है और मुझको पराए घर भेज दिया है। ये कौन सा धर्मशास्त्र है, ये कौन सा न्याय है? बेटी का जीवन तो बाप जिधर बांधेगा उधर चली जाए। और बेटी कहती है अंत में जाकर के विदाई की घड़ी आती है तो कहती है बाबा करे तो विदा करी है। ये पैसे वाले घर की बेटी है लेकिन बिगड़ल नहीं है। भाव क्या है, लोग कहते पैसे वाले घर की बेटी बिगड़ी है, पैसे वाले घर की है लेकिन संस्कारवान है। इसलिए चाणक्य ने एक बात कही है, आज अगर ये मुहावरा बन गया कि पैसे वाले घर के लोग बिगड़े होते हैं, पैसे वाले घर के बच्चे बिगड़े होते हैं, ये मुहावरा क्यों बना? क्योंकि हमने अपने बच्चों को संपत्ति का वारिस तो बनाया लेकिन सनातन संस्कृति का वारिस नहीं बनाया, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। अगर अपने बच्चों को संपत्ति के साथ साथ संस्कार और सनातन संस्कृति का वारिस भी बनाते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा नाम उज्ज्वल करते हैं, रोशन करते हैं। ये चाणक्य का वाक्य है। और एक बात है, तुम संपत्ति लिखो या मत लिखो, मरते ही वो संपत्ति का अधिकारी बेटा हो जाएगा। और आजकल तो बेटियों का भी अधिकार हो, लेकिन विचार करके देखना संस्कार कहां से जाएंगे। संपत्ति तो न चाह करके भी मिलेगी लेकिन संस्कार तो आपको देने पड़ेंगे। इतनी सेवा देवहूति ने करी है कि कर्दम ऋषि बोलते हैं एक दिन देवी वरदान मांगो क्या चाहिए, बोले मातृत्व का सुख चाहती हूं जो हर पत्नी चाहती है। बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान में बैठ करके तीर्थ यात्रा करने गए हैं, आधी आयु निकल गई है, नौ कन्याओं का जन्म हुआ है। ये नौ कन्या ही नवदा भक्ति है। और अब कर्दम जी विचार करते हैं जाऊं नहीं, नहीं भगवान कह गए थे वो आएंगे, याद आ गई, समय आया, तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए और माता देवहूति के गर्भ से भगवान का एक 24 अवतारों में एक अवतार कपिल अवतार हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी, बोले कपिल देव भगवान की। कपिल हर नाम का अपना अर्थ है। कपिल का अर्थ क्या है, कम आत्मसुखम पी पिबती इति कपि।
सब चासव लाती ददाती थी कपिलह, जो निरंतर आत्म सुख का पान कर रहे हैं और अपने प्रेमी को भी आत्म सुख का पान करा देते हैं। जो उनके निकट आता है उसको आत्म सुख का पान हो जाता है। अरे कोल्ड स्टोरेज में जाओगे न चाहते हुए ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? अग्नि के पास बैठोगे न चाहते हुए गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि उसका अपना गुण है। भगवान कपिल का गुण क्या है? ये सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए इनके सामीप्य में जो आता है वो भी आनंद से सरोवर हो जाता है, वो भी आनंद में डूब जाता है। अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करने का नियम भगवान कपिल का है, ये सबसे पहला सूत्र है। प्रातः काले उठ केर बोला था, हमने देखा है लोग हाथ ऊपर करके माथा टेक करके मंदिर के पीठ पीछे प्रणाम करते हैं। मंदिर के पीठ पीछे प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कहां लिखा है मंदिर के पीठ पीछे प्रणाम करना चाहिए, बताओ जरा। ये हमारा देश भारत देश भेड़ चाल वाला देश है, एक ने करी तो दूसरा भी करेगा, दूसरे ने करी तीसरा भी करेगा। हमने कहा मंदिर में पीछे काय को माथा, बोले माथे की रेखाएं बदल जाए। बोले माथे की रेखा बदलने की नहीं बदलेंगी, वो स्वामी जी को संगमरमर का पत्थर जरूर बदलना पड़ जाएगा। मंदिर के पीठ पीछे प्रणाम कभी मत करना। जब कभी प्रणाम करो तो भगवान के दाहिने हाथ की ओर बैठ के प्रणाम करो, दाहिने हाथ राइट हैंड की ओर। क्यों? आपने राम दरबार देखा होगा, राम दरबार में हनुमंत लाल श्री राघवेंद्र सरकार के दाहिने हाथ की ओर बैठकर प्रणाम करते हैं। यह प्रणाम करने का तरीका है। दक्षिणे लक्ष्मणोयस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदन। सामने भी नहीं, पीठ पीछे भी नहीं, बाएं भी नहीं, दाहिने हाथ। कारण है सबके, अभी बताने का समय नहीं है मेरे पास। कारण भी है और एक प्रमाण तो दे दिया आपको। एक हाथ से कभी प्रणाम मत करो। लोग प्रणाम करते हैं एक हाथ पॉकेट में, एक हाथ से प्रणाम करते हैं बाएं से, कभी दाहिने से। एक हाथ से कभी प्रणाम मत करो। एक हाथ से प्रणाम करने में जीवन के पुण्य समाप्त हो जाते हैं सारे। प्रणाम करो तो दोनों हाथों से करो। अरे माथा रख करके प्रणाम करो। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, ये प्रणाम करने का तरीका है। नारी पंचांग प्रणाम कर सकती है लेकिन पुरुष साष्टांग प्रणाम करे, ये प्रणाम करने का ढंग है। नारायण भगवान नित्य प्रणाम करते हैं। एक दिन अपने पिता को कहा, पिताजी, बोले पुत्र, बोले हमारे नाना जी से आपने कहा था संतान उत्पन्न होने के बाद घर में नहीं रहेंगे। बोले कहा तो था, फिर घर में क्यों बैठे हो? भजन करो जाकर के। पुत्र पिता से कहे कि घर में क्यों बैठे हो, फिर पिता रोके कहीं? बोले पुत्र चला तो जाऊं तेरी माँ, बोले माँ का ध्यान में रखूंगा। पिताजी ये शरीर साधन को मिला है, भोग भोगने को नहीं। करदम जी जाने लगे, देवहूति ने प्रणाम किया, कहा बोले अब जाता हूं, तेरा पुत्र नारायण है, कोई बात आवे तो इसी से कर। तीन परिक्रमा लगाई, प्रणाम करके विदा किया। देवहूति माता को नित्य प्रणाम भगवान कपिल करते हैं। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास आती है और एक बात रखती है सामने कि बेटा जीवन बीत गया मेरा, मां प्रणाम कैसे आना होगा? बोले जीवन बीत गया भोग भोगते भोगते इन इंद्रियों से, लेकिन ये इंद्रियां आज भी भोग मांगती है। क्यों? बोले मां अग्नि में घी डालते रहो और कहो कि अग्नि क्यों जलती रहती है, तो इसका कोई उत्तर है? घी डालना बंद कर दो। लेकिन ये बार बार कहती है अग्नि घी और डालो, मैं और जलना चाहती हूं, डालो डालो डालो। बोले डालना ही पड़े तो मां घी मत डालो। बोले फिर? बोले पानी डालो, बुझाने के लिए डालना ही जरूरी है, तो पानी डालो, घी मत डालो, अग्नि बुझेगी। बेटा ये तो घी मांगती है, तो मां सुन, दुनिया में सब चीज का मूल कारण दुख का क्या है? बोले क्या? आसक्ति। दुनिया में सब
दुखों का मूल आसक्ति है। आसक्ति छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। बोले बेटा आसक्ति छूटती नहीं है। बोले तो आसक्ति को छोड़ ना सको तो मोड़ दो। किधर मोड़ू? मेरे संतों के चरणों में। बोले बेटा तेरे संतों के लक्षण क्या है, कैसे पहचानू ये संत तेरे हैं? आज के समय में पहचान बड़ी कठिन है, तो संतों के लक्षण बताए। गेरुआ कपड़ा पहन लिया वो संत है? नहीं, केवल वो संत नहीं है, वो भी संत हो सकता है, लेकिन संत के लक्षण है। सबसे पहली बात, संत सहनशील होते हैं। संत सहनशील होते हैं, और सहनशील नहीं, सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है संतों में। ये संत महाराज करपात्री जी महाराज के गोरक्षा आंदोलन में एक नेत्र चला गया, नेत्र तक चला गया। एक गए थे कि दोनों? हाँ, कोई को मालूम? एक, केवल एक नेत्र। गोरक्षा आंदोलन में एक नेत्र तक चला गया था, इतनी पिटाई करी थी उन दुष्ट आतताइयों ने, लेकिन सहन किया। गो माता रक्षा के लिए अगर हम बलिदान भी हो जाएं तो हो जाएंगे, लेकिन गो माता की रक्षा का यह संकल्प नहीं छोड़ेंगे। ये संत होते हैं जो सहनशील होते हैं, तितिक्षमः, और संत होते हैं जो करुणावान होते हैं, कारुणिकः। संत की करुणा तो भगवान की करुणा से भी अधिक होती है। हाँ, भगवान को तो पुकारोगे तो करुणा उदय होगी, और उसमें भी भगवान ये सोचेंगे इसने दोनों हाथ ऊपर किए कि नहीं किए। लेकिन संत, संत तो केवल देखेंगे तो पिघल जाएंगे। नारद देखा पिघल जाता, नारद देखा पिघल हृदय। इनका हृदय बड़ा सुंदर होता है। क्यों? इस हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये नहीं रहते। इस हृदय में तो केवल भगवान का वास होता है, इसलिए सुंदर हृदय होता है। और सर्वदेही नाम, ये जिसको भी देखते हैं भगवत दृष्टि से ही देखते हैं। हाँ, एक कबीरा खड़ा बजा जाए, अरे मां के सब सही है, किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अरे कछुले नान देना, अरे कछुले नान देना, मगन रहना। बना पी मेरा या मैं बोल रही
संत मगन रहते हैं। अजात शत्रु वह किसी को शत्रु नहीं मानते, सभी अपने ही सब शांता शांत रहते हैं। साधव अपने जीवन को स्वयं साधते हैं, तपाते हैं। और ऐसे इस लक्षणों से युक्त जो साधु संत होते हैं वो साधुओं में आभूषण होते हैं। इन लक्षणों से युक्त ये आभूषण है संत के। भगवान से किसी ने कहा आप भी ऐसे ही हो क्या? बोले कैसे? बोले जैसे कबीरदास कह रहे हैं कछु लेना ना देना। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमारा ऐसा चक्कर नहीं, हम तो लेते भी हैं देते भी हैं। ये तो ज्ञानियों की बात है ना लेना ना देना। हम तो भाई हम ज्ञानियों के पास हम तो लेते और देते समय है। अच्छा एक बात बताओ ठाकुर। बोले हाँ बोलो। ये इतने सारे साड़ी के ढेर आए कहां से? ये द्रौपदी के जो चीर तुमने बढ़ाया इतना ढेर आया कहां से? बोले हमारे पास कहां से आएगा? बोले फिर आपने तो दिया था। बोले दिया क्या था? किसी और से लिया था तो द्रौपदी को दिया था। बोले किसी और से लिया था द्रौपदी को दिया था मतलब? बोले गोपियों का चीर चुराया था और द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। कछु लेना ना देना वाली स्थिति नहीं, हम तो लेते भी और देते भी हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी है। और महाराज उसके बाद में सुंदर सुंदर प्रकृति पुरुष का वर्णन किया। ये प्रकृति कैसी है? 24 तत्वों से मिलने वाली प्रकृति है। कोई कहता है 17, हम कहते हैं 24 तत्व है। 24 तत्वों से बनने वाली प्रकृति, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पंच ज्ञानेंद्री पंच कर्मेंद्री, कितने हो गए? 20। और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24। और 25वां तत्व होता है उसका नाम है काल, जो सब में क्षोभ उत्पन्न करता है, जिसके बारे में हमने आज कहा था। काल काल बलि सबते बलि जाते बलि न कोई, टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर, समय बड़ा है। काल ही एक बहुत बढ़िया बात कही। अब देखो कल ही हमने पढ़ा समय जो होता है ये बताता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। वैसे कोई अपना और कोई पराया नहीं होता, लेकिन समय ही ये दर्शाएगा कि अपना कौन, समय पर कौन खड़ा है। समय पर आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। ये दुनिया अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई नहीं, ये जिंदगी है। और उसके पश्चात में दो तरह के योग बताए, सबीज योग और निर्बीज योग। सबीज योग क्या, निर्बीज योग क्या? देखो एक योग है निर्बीज। अब इसको सरल तरीके से समझा देता हूं, ये कठिन नहीं, नहीं तो फिर नींद आने लगेगी, फिर यौन करने लग जाओगे। एक है रस सरस, एक है रसाभास। एक है रस और एक है रसाभास, क्या अंतर है? एक सरस योग है, एक रसाभास योग है। अंतर यह है, आपको गर्मी लगी, जेठ का महीना है, आपने पानी पिया या शिकंजी पी, कैसे लगेगी आपको? गर्मी में लथपथ होश पसीने से और ठंडी ठंडी शिकंजी मिल जाए, कैसा लगेगा? अच्छा, एक गिलास पिया, अच्छा लगा, ऑसम। लेकिन दूसरा गिलास दो तो सेम वही ऑसम वाली फीलिंग आएगी? पहले वाली की अपेक्षा सेकंड वाली की फीलिंग में कमी आ जाएगी। एंड थर्ड लोगे तो और कम। और फिर उसके बाद में एक वो स्थिति भी खड़ी होगी सामने जब उस गिलास को भी आप देखना नहीं पसंद करोगे, आप छोड़ के जाना चाहोगे। इसको कहते हैं रसाभास। ये रस का आभास है, रस नहीं है। इसी को कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पदार्थ की उपभोक्ता के साथ साथ धीरे धीरे उसका स्वाद कम होने लगता है। लेकिन रस क्या होता है? जिसको आप जितनी बार लेते रहते हो उतनी बार रस बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए सरस योग तो भगवान है और भगवान की कथा है, जिसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार रस में वृद्धि ही होती चली जाएगी, कमी कभी नहीं हो सकती। हे भगवान, लगता है हमारी बात अच्छी नहीं लगी किसी को। ये नेताओं वाली ताली मत बजाओ, हमने जो ताली सिखाई है वो बजाओ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे अपना भी कल्याण करो और हमारा भी कल्याण करो, हमारे भी कान में हम कह रहे हैं तो आपके शब्द हमारे भी कान में राधा नाम पढ़ना चाहिए कम से कम। नारायण ये सरस योग और रसाभास, और उसके बाद में वर्णन किया मां सकाम प्राणी जब कर्म करता है तो चंद्रलोक में जाता है और निष्काम प्राणी कर्म करता है तो सूर्य लोक से भगवत धाम को जाता है। भक्त की स्थिति क्या होती है? तीन तरह के भक्त हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। एक भक्त वो है, अब मैं और भी इसको सरल कर रहा हूं, ज्यादा गुणों के चक्कर में नहीं पड़कर। एक भक्त वो है जो भगवान से चाहता है, और एक भक्त वो है जो भगवान को चाहता है, और एक भक्त वो है जिसको भगवान चाहता है। तीन तरह के भक्त, मैं भगवान से चाहता, अरे गोविंद देव जी मेरी ये मुराद पूरी कर दो, अरे गोविंद देव जी मेरा ये काम बना दो, मैं भगवान को नहीं चाह रहा हूं, मैं भगवान से चाह रहा हूं। और दूसरा ये होता है कि गोविंद देव भगवान सामने खड़े हो जाएं, मांगो क्या चाहिए, और गोविंद देव के भक्त कहें अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता है। और तीसरा भक्त वो है, अरे इन्हीं काज तजी लोक लाज, मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो, अरे नाना भांति नचायो भक्तन ने मुकु, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मुकु, नाना भांति नचायो, अरे ताही अहीर छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच न जावे। ये तीसरी कोटि का भक्त है जिसको भगवान चाहते हैं। नारायण मां जब तक शरीर में शक्ति है जीव कमाता है, लेकिन शरीर की शक्ति कम हो जाती है, जब तक कमाता है तब तक सब बाबूजी बाबूजी करते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति क्षीण होती है तब घर के बच्चे एक बार आकर प्रणाम भी करने नहीं आते। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब तक सिंह की तरह रहे लोग प्रणाम करते थे, महाराज जी आए महाराज जी आए महाराज जी। अब महाराज जी का शरीर बूढ़ा हो गया, बैठे रहते थे, इतने बच्चे मेरे, इतने नाती पोते मेरे, कम से कम मुझ बुढ़े को देखने तो आएंगे, मुझ बुढ़े से मिलने तो आएंगे, लेकिन नहीं। क्यों? संपत्ति सबकी सब ले ली गई है, संपत्ति सबकी सब जा चुकी है, अब इस बुढ़े के पास कुछ नहीं बचा, तो कोई बच्चा प्रणाम भी करने नहीं आता। और वो कहता रहता, एक 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 पुत्र और पौत्र उस बुजुर्ग के पास रहे, एक पुत्र और एक पौत्र उस बुजुर्ग के पास रहे, जब बैठते थे तो बुजुर्ग कहता था कि मेरे इतने बच्चे हैं, इनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया मैंने, मेरे इतने बच्चे जिनको आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया, लेकिन मेरे बच्चे आज मेरे पास कोई आता नहीं, एक बच्चा मेरे पास नहीं आता, दिल्ली चले जाएंगे बंबई चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते। मैंने जीवन में एक गलती कर दी। क्या गलती करी? जो कुछ भी कमाया बच्चों के नाम करता चला गया। ये जीवन की एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। अगर आज सब कुछ मेरे नाम होता तो नक्षत्र की तरह चक्कर लगा रहे होते, सप्तर्षि की तरह चक्कर लगा रहे होते, लेकिन आज वो दिन मेरे सामने है, शरीर चलता नहीं, बच्चे आते नहीं, एक दिन ऐसे ही चला जाऊंगा।
और एक दिन तो अटैक आया, अस्पताल में भर्ती हुए, बच्चा आया भी तो अपमान करके चला गया, फटकार करके चला गया, और उस बच्चे को बहुत प्यार किया उन्होंने, बहुत प्यार किया था, लेकिन वो बच्चा फटकार करके चला गया एक दिन। और फटकार करके जिस दिन गया, उस बुजुर्ग को इतनी टेंशन हुई, इतनी चिंता हुई कि उसको एक अटैक आया, गिर पड़ा, अस्पताल पहुंचा, जो पौत्र और पुत्र उसके पास रहे, अंदर सीसीयू में उनको बुलाया और कहा, तुम लोग बाहर थे तो छोटा बच्चा आया था, मुझको फटकार करके चला गया, मुझसे बहुत अपमानजनक शब्द प्रयोग किए, कहना मर जाऊं तो मेरे कंधे को आरती को कंधा ना देवे। ऐसे बच्चे जिसने जीते जी मां बाप को रुलाया, मरने के बाद आंसू आते हैं, धिक्कार है उन बच्चों पर, कबीर दास ने ऐसे ही बच्चे को फटकार लगाई है, जब तक जीता रहा तब तक बाप को रुलाता है, लड़ता है बाप से, जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे हार पहुंचावत गंगा, दिखा रहे तेरे जीवन। और एक दिन वो बुजुर्ग शांत मौन हो गया। जीवन में याद रखो, देवी देवताओं को पूजने वालों, मंदिर में जाकर भगवान को माथा टेकने वालों, अगर अपने घर के देवी देवता मैया बाप को तुमने रुलाया तो कोई देवी देवता तुम पर कृपा नहीं बरसाएगा, कोई देवी देवता तुमको आशीर्वाद नहीं देगा। घर के चलते फिरते देवी देवता ये मैया बाप है। नारायण चलती चक्की पूज ले, यही सयानों काम, जितनी पूज है आत्मा उतने साले ग्राम। हमने भगवान रामकृष्ण को नहीं देखा, लेकिन हमने मैया बाप को तो देखा है।